इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा है। दरअसल अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र बन गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती कि ये भाजपाई हित में जारी है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी, भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, भाजपा को अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए और खुद को भारतीय जमीन पार्टी कह देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा है। दरअसल अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र बन गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती कि ये भाजपाई हित में जारी है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी, भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, भाजपा को अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए और खुद को भारतीय जमीन पार्टी कह देना चाहिए।